नमस्कार दोस्तों, ईशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न कवर करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ईशाला के सभी वीडियो के लिए आप ईशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी फ्री मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करके रोजाना करंट अफेयर्स, जीके नोट्स, पुराने प्रश्न पत्र हल सहित पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के निर्णय के अनुसार प्रतिवर्ष निम्न में से किस तारीख को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने का निर्णय किया गया है? सही उत्तर 24 जनवरी। भारत के और राज्यों की तरह ही अब यूपी में भी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाएगा। यूपी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब उत्तर प्रदेश में हर साल 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में भारत के रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर संजय मित्रा। भारत के रक्षा सचिव के रूप में संजय मित्रा को नियुक्त किया गया है। संजय मित्रा पश्चिम बंगाल केडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। संजय मित्रा इससे पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत थे। विद्यार्थियों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान का निम्न में से क्या नाम है? सही उत्तर विद्या वीरता अभियान। युवाओं के मन में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले असली नायकों और सैनिकों के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के मकसद से देशव्यापी स्टूडेंट फॉर सोल्जर्स विद्या वीरता अभियान शुरू किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2012 के निर्भया केस के कितने दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई है? सही उत्तर 4। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में दिसंबर 2012 में घटी सामूहिक दुष्कर्म की घटना के सभी 4 दोषियों की फांसी की सज़ा 5 मई 2017 को बरकरार रखी और इसे जघन्यतम श्रेणी का मामला करार दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 4 मई को सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? सही उत्तर इंदौर। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने 4 मई को दिल्ली में स्वच्छता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ शहरों के नामों का ऐलान किया। सूची में इंदौर का नाम 10 सबसे साफ शहरों में सबसे ऊपर है, भोपाल दूसरे स्थान पर और विशाखापट्टनम तीसरे स्थान पर है। इसी क्रम में सूरत चौथे स्थान पर। सूची में गुजरात के सबसे ज़्यादा 12 शहर शामिल हैं। किस राज्य में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा? सही उत्तर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जाएगा। इस दिन कोई भी छात्र स्कूल बैग नहीं लेकर आएगा। इससे छात्रों एवं अध्यापकों के बीच मधुर संबंध स्थापित होंगे तथा छात्रों के व्यक्तित्व का भी विकास होगा। नक्सलवाद की समस्या को सुलझाने के लिए मई 2017 को सरकार ने कौन सा नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है? सही उत्तर समाधान। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 8 मई 2017 को वामपंथी चरमपंथ की स्थिति की समीक्षा के लिए हुई बैठक में 8 सूत्रीय समाधान सुझाते हुए नक्सल प्रभावित राज्य सरकारों से इसे लक्ष्य की एकता के रूप में स्वीकार कर लागू करने का अनुरोध किया है। रैनसमवेयर मई महीने के दूसरे सप्ताह में चर्चा में रहा है, यह क्या है? सही उत्तर कंप्यूटर वायरस। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन समेत दुनिया के 100 देशों पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है। हैकर्स ने रैनसमवेयर के जरिए लाखों कंप्यूटर्स और मोबाइल को निशाना बनाया है। रैनसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे एक कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है और यूजर तब तक इसमें मौजूद डेटा तक नहीं पहुंच पाता जब तक कि वह इसे अनलॉक करने के लिए रैनसम यानी कि फिरौती नहीं देता। केंद्र सरकार ने 17 मई को कितने नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? सही उत्तर 10। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे कुल 7000 मेगावाट की क्षमता बढ़ेगी। फिलहाल भारत में 22 परमाणु रिएक्टर सुचारू रूप से चल रहे हैं। इन 10 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में। तेजस एक्सप्रेस को 23 मई को किस रूट पर शुरू किया गया है? सही उत्तर मुंबई से गोवा। तेजस एक्सप्रेस ने 23 मई को मुंबई से गोवा के बीच ऐतिहासिक सफ़र शुरू किया। अति आधुनिक सुविधाओं वाली इस ट्रेन को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई से गोवा के
करमली के लिए रवाना किया। ये ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। देश का सबसे लंबा पुल ढोला सदिया किस नदी पर बनाया गया है? सही उत्तर लोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2017 को देश के सबसे लंबे ढोला सदिया पुल का उद्घाटन किया। असम में 9.15 किलोमीटर लंबा यह पुल लोहित नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य सहायक नदी है, इस पर बनाया गया है। इस पुल के चलते अब अरुणाचल प्रदेश और असम की दूरी 165 किलोमीटर और यात्रा समय 5 घंटे कम हो गया है। पुल का नाम असम के महान गायक और संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया है। 30 मई 2017 से शुरू दरवाज़ा बंद अभियान का संबंध किससे है? सही उत्तर स्वच्छता अभियान। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 30 मई 2017 को दरवाज़ा बंद अभियान की शुरुआत की है। मुंबई में 30 मई 2017 को आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को विश्व बैंक से समर्थन प्राप्त है और इसे देश भर में चलाया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर रामशंकर कठेरिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 31 मई को NCSC के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, उपाध्यक्ष के रूप में श्री एल मुरुगन एवं सदस्यों के रूप में श्री के रामालू, डॉक्टर योगेंद्र पासवान तथा डॉक्टर सुश्री स्वराज विद्वान को नियुक्त किया है। ईशाला के सभी वीडियो के लिए आप ईशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।